मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि. वेल आज है 4th of February वर्ल्ड कैंसर डे एंड आई थॉट व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट दिस डे दैन टू कम टू सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर्स. और मैं आज सिवड़ी आई हूँ उनके वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स एंड आई एम गोइंग टू बी इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ किड्स हु आर ऑल सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड होप आई कैन ब्रिंग सम जॉय टू देयर लाइफ. इट्स गोइंग टू बी अ फन डे फॉर ऑल ऑफ अस. प्लीज जॉइन मी बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. So how many centers do you have in Mumbai? Here on campus, we have 14 centers. 14 centers, okay. Yeah. All over Pan India, we have 39 centers. Wow. So the kids live here? With parents. So like everything is taken care of by the staff, parents, yeah. Everything is taken care of. Facilities are, and what extra, like skill building and other things, activities we do for mental health. All these kids have cancer. And how many kids do you have at this point? We around have 155. So this is Madhu. Please give your introduction because it's damn confusing. Okay. So I'm Madhubala Sharma. I work for St. Jude India Child Care Centers. I'm a program lead. और ये जैसा कि मैंने बताया ये इंडिया नहीं मुंबई का लार्जेस्ट सेंटर है कि इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है इंडिया का ये इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है सेंट जूड का एंड यहाँ पर एट द मोमेंट दे हैव 155 चिल्ड्रन हु आर लिविंग विद देयर फैमिलीज एंड सेंट जूड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड लुकिंग आफ्टर देम इन एवरी वे पॉसिबल. कम लेट्स सी द कैंपस. जूते नहीं अलाउड हैं बिकॉज सारे बच्चे जो हैं उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हाय. ये जो बच्चे यहाँ पर हैं इनका एज ग्रुप कितने से कितने तक लाइक हु इज द यंगेस्ट एंड व्हाट इज द ओल्डेस्ट एज रफली. 0 टू 15 इयर्स. व्हाट. चिल्ड्रन आर बोर्न विद कैंसर. समटाइम्स यू नो दे आर डिटेक्टेड बोर्न आल्सो लाइक विद द कैंसर बट डिटेक्शन इज टेक्स टाइम यू नो. सो इनका ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है. टाटा हॉस्पिटल. चलो. सो दिस इज द रूम फॉर वन चाइल्ड. ओके. एंड हिज और हर गार्डियंस. ओके. ये इस तरह के कितने यूनिट्स हैं टोटल. 165 यूनिट्स लाइक दिस. यानी कि इस तरह के 165 रूम्स हैं यहाँ पर जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिन्हें कैंसर है और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आकर रहते हैं. एंड यू नो गेटिंग कैंसर इज अ वेरी बैड थिंग. इट्स अ बैड थिंग फॉर एवरीबडी बट इट इज द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू अ चाइल्ड बिकॉज अगर एक बच्चे को कैंसर है तो उसके साथ इन माई ओपिनियन पूरी फैमिली को कैंसर है बिकॉज वो अकेला नहीं लड़ेगा उसके साथ उसके पेरेंट्स भी लड़ेंगे. एंड आई थिंक आई डोंट नो आई मीन इज इट इट्स एन इमोशनल स्ट्रगल. इट्स अ फिजिकल स्ट्रगल. इट्स अ फाइनेंशियल स्ट्रगल. इट इज अ स्ट्रगल ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर डूइंग दिस. आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. इट्स वर्ल्ड कैंसर डे. सबसे पहली बात तो जब तक मुझे कैंसर नहीं था आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल नॉर्मल पीपल हुड हैव नो एक्सपीरियंस विद कैंसर. वी आर लिटरली लिविंग इन आर ओन वर्ल्ड नॉट नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीपल हु आर सफरिंग. एंड आफ्टर आई स्ट्रगल विद इट माई सेल्फ आई हैव रियलाइज एंड यू नो गॉट टू नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट कैंसर अबाउट पीपल लाइक यू अबाउट हॉस्पिटल्स things that they are doing about the different treatments that are happening for cancer. And the biggest thing, sabse badi cheez hai ki bahut sare cancers jo hain wo aaj ki date mein curable hain aur agar curable nahi hain to treatable zarur hain, unhe manage kiya ja sakta hai. And just because you have cancer it doesn't mean life is over. But that is a very very important learning that I have taken away from this. Jaise hum diabetes manage karte hain, jaise hum hypertension manage karte hain, waise cancer ko bhi manage kiya ja sakta hai. This is one of the stress busting as well as skill building activity. Oh wow. ये आप कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे. मुश्किल है क्या. नहीं नहीं नहीं, नहीं है ये. दिस इज अ कॉमन किचन. दिस इज व्हाट वी गिव इट टू वन फैमिली.
तो ये उनको कितने दिन लास्ट करता है? सो दिस इज फॉर अ वीक. राइट नाउ सिंस यू हैव 150 किड्स हियर, एक फैमिली का ये जो राशन है एक हफ्ते का, लाइक 150 फैमिलीज के लिए, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन दैट? लाइक हाउ मच मनी डू पर फैमिली वी स्पेंड अराउंड फॉर अ मंथ? हां, अराउंड 3,000 to 4,000. अभी मुझे इसको 150 से मल्टीप्लाई करके बताओ. ना मैथ्स नहीं आता मुझे. यस, 150 × 3 कितना हुआ? कम ऑन यार, तुम तो बच्चे हो, तुम अभी स्कूल गए थे ना. 4,500. हम लोग को टाइम हो गया गए हुए. 4,500. 4,500 के जीरो कितने लगेंगे उसमें? 4,50,000 है ना, करेक्ट? यार बता दो, आप लोग कॉमेंट में बता दो कितना हो, कितना होता है यार. तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चों के लिए साथ में खाना बन रहा है. हाँ. सेलिब्रेट ऑल ऑफ फेस्टिवल्स. तो फिर कौन बनाता है वो खाना? पेरेंट्स. तो मैं भी आ सकती हूँ? बट लिसन, आई एम सीरियस दैट वेन एवर यू आर डूइंग लाइक कुकिंग फॉर एवरीबडी, प्लीज कॉल मी, आई वुड लव टू कम एंड हेल्प आउट. सो नेक्स्ट मास्टर शेफ यू आर कमिंग एज अ गेस्ट? गेस्ट नहीं, मुझे कुकिंग करनी है. खाना नहीं है आके, मुझे बनाना है, बच्चों को खिलाना है. ठीक है, पक्का? आई मीन इट. 160? ठीक है, हाँ, 160 किड्स, आई विल कम एंड कुक फॉर देम. ठीक है, अभी वो ही बोल रही हूँ, अच्छा बनेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बनाऊंगी आके, और मुझे क्वांटिटी का अंदाजा नहीं रहेगा, फॉर दैट यू हेल्प मी. सो मोस्ट टाइम आवर बाथरूम्स शुड बी दिस ड्राई एंड क्लीन. वेरी नाइस. पेरेंट्स वी टीच देम, सो विदाउट इवन यू नो फुटवेयर और बाथरूम चप्पल्स यू कैन कम इन. इतना अच्छा बाथरूम्स, लाइक अ 5-star बाथरूम, आई एम नॉट किडिंग. इतना ड्राई, मतलब मुझे भी बहुत ऐसा लगता है कि बाथरूम हमेशा ड्राई होना चाहिए ताकि आप नंगे पैर वहाँ पर जा सको. आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस, बिकॉज ऐसे बाथरूम्स इस तरह के प्लेसेस में जहाँ इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है मेंटेन करना. सो अमेजिंग, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर टीचिंग दीज थिंग्स टू द किड्स एंड द फैमिलीज. दिस इज बेसिक हाइजीन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. I think it's very important that if they are mature enough or old enough to understand, they should definitely know, because once they get out of it, they should be very proud of what they've done and what they've fought against and won. They should know it. ये लोग बोल रहे हैं मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं आपको खुश करने के लिए. कैसे हो आप लोग? अच्छा, मुझे अपनी अपनी एज बताओ, आप कितने साल के हो? 10? मेरी बेटी भी 10 ईयर्स की है. लेके आओगी नेक्स्ट टाइम उसको? आप लोग तो बहुत ही स्लो कर रहे हो, मैं हेल्प कर दूं आपकी? कैसे लगाना है? एक लगा के दिखाओ. चलो तुम बोलो. नहीं, आप बोलो. चिड़िया उड़. दो ऐसी चीजें बताओ जो अभी यहाँ पर नजर आ रही है. फैन. ओके, आपकी बारी. सीरी, एलिफेंट. Chavi Mittal, and today is World Cancer Day, and guess where I am right now? I'm at St. Jude India Child Care Center.
ओके बाय। कितना अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, इतने क्यूट बच्चे हैं, कोई कह नहीं सकता कि इन सबको कैंसर है। इतने खुश लग रहे थे, इतने स्पोर्टिंग थे, गेम्स भी खेली मेरे साथ, जोक्स भी क्रैक किए। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट ये जो सेंट जूड जो दिस फैसिलिटी, द पीपल ओवर हियर, व्हाट दे आर डूइंग फॉर दीज किड्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिकॉज आई एम श्योर हर किसी के लाइफ में जो है वो टफ डेज आते हैं, हार्ड डेज आते हैं, बट टू रिमेन स्टेडफास्ट एंड टू बी पेशेंट विद लिटिल चिल्ड्रन एंड टू ऑल्सो सी देम गो थ्रू दीज थिंग्स एंड सपोर्ट देम, सपोर्ट देयर पेरेंट्स, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू से एनीथिंग। आई थिंक व्हेन आई सी दीज थिंग्स आई फील सो स्मॉल। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।